लव जिहाद के नाम पर कितने लाहौरी काम पर, मोहब्बत की आड़ में नापाक मंसूबा। लव ट्रैप में फंसी अंजू की पहचान बदल चुकी है, मजहब बदल चुका है, अब आईएसआई की मोहब्बत वाली साजिश के निशाने पर हिंदुस्तान की बेटियां हैं, जिसका सबसे बड़ा खुलासा जयपुर से हुआ है। अंजू के बाद एक और हिंदुस्तानी लड़की के पाकिस्तान जाने की कोशिश करने का मामला सामने आया। इस लड़की को पाकिस्तान जाने की कोशिश करते पकड़ा गया, वो महज 17 साल की है। राजस्थान की रहने वाली ये नाबालिग लड़की कई महीनों से पाकिस्तान के असलम लाहौरी के संपर्क में थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई। इस दौरान पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे असलम लाहौरी ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ये लड़की उसके प्रेम जाल में फंस गई। लड़की इतनी मासूम कि उसे ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। बावजूद इसके वो पाकिस्तान जाने को तैयार हो गई। नाबालिग लड़की को गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ना तो उसके पास पासपोर्ट था, ना ही पाकिस्तान जाने का टिकट। मामले का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के लिए निकली लड़की से टिकट मांगा गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में जब लड़की से पूछा गया तो वो लगातार यही कहती रही कि वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की रहने वाली है। उसने बताया कि वो अपनी बुआ से मिलने हिंदुस्तान आई थी और अब पाकिस्तान अपने घर वापस जाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे असलम लाहौरी ने उसे समझाया था कि कैसे उसे पाकिस्तान पहुंचना है। एक नाबालिग बच्ची एयरपोर्ट पे आई और एयरपोर्ट पे उसने टिकट काउंटर पे कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, इसलिए मुझे लाहौर की टिकट दे दो। जो एयरपोर्ट पे जो टिकट देने वाले और सीआईएसएफ ने उससे पूछा कि भाई आप के पास वीजा पासपोर्ट है क्या, तो मना किया। उनको डाउटफुट लगा, उन्होंने डाउट को ध्यान में रखते हुए लोकल पुलिस स्टेशन को सूचित किया। लोकल पुलिस स्टेशन पर लेके आए, उससे बातचीत शुरू की। बातचीत में उसने बताया कि मेरा नाम गजल है और मेरी बुआ के साथ 3 साल पहले मैं यहाँ आई हूँ और मैं श्री माधोपुर के पास गांव का नाम बताया, वहाँ रह रही थी। उसको लेके आए तो ये लड़की बता रही है कि मैं 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ में पाकिस्तान से आई थी, ये श्री माधोपुर के पास में उसकी बुआ रहती है। आज ये बता रही है कि बुआ से मेरी अनबन हो गई और मैं मेरे गाँव मतलब पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पर टिकट लेने आती हूँ। जिसको ये भी नहीं पता कि एयरपोर्ट पर बिना कोई दस्तावेज के पाकिस्तान। हालांकि बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने लड़की से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि असल में वो राजस्थान की रहने वाली है और पाकिस्तान में अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। पूछताछ में ये पता चला है कि असलम लाहौरी नाबालिग लड़की की कई सहेलियों से भी बातें करता था। हिंदुस्तान की कई लड़कियां असलम लाहौरी के संपर्क में थी। यानी लाहौर में बैठा असलम लाहौरी न सिर्फ नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा था बल्कि उसे पाकिस्तान बुलाने की साजिश भी रच रहा था, बल्कि उसके निशाने पर और भी कई लड़कियां हैं। यह खुलासा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ा करने वाला है कि मासूम को मोहब्बत के जाल में फंसाने के मामले में जिस असलम लाहौरी का नाम सामने आया है वो उसी शहर का रहने वाला है जहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ब्रेन वॉश सेंटर है, मतलब लाहौर। पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जयपुर एयरपोर्ट पे उसको बुला के यहाँ मतलब कि मेरे सीआईएसएफ के जवानों ने और अपने राजस्थान पुलिस ने रोक लिया और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। एक तथ्य ये भी है कि जिस लड़की को जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि नाबालिग के पिता भारतीय फौज में है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर ये बात सही है तो चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है।